हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 4 कॉन्शियसनेस में ड्रीम्स के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था एक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन मोड AIM मॉडल, जिसमें हॉब्सन और कोलीग्स ने ये बोला था कि जितने भी हमें ड्रीम्स आते हैं उससे हमारी मेमोरी या पास्ट एक्सपीरियंस का कोई वो रिलेशन नहीं होता है। वो बेसिकली जो हमारे पूरे दिन में या लास्ट फ्यू डेज में जो एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं उनसे रिलेटेड रैंडम चीज़ें होती हैं जो हमें ड्रीम में नज़र आती हैं। तो ये AIM मॉडल था जो ड्रीम को डिस्क्राइब कर रहा था। उसके बाद कैलविल हॉल ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की थी कि लोग जो हैं जो ड्रीम करते हैं वो किस बारे में ड्रीम करते हैं। सो कैल्विन हॉल कलेक्टेड 10,000 ड्रीम्स एंड कंक्लूडेड दैट, उन्होंने 10,000 ड्रीम्स का डेटा कलेक्ट किया था और मोस्टली उन्होंने ये कंक्लूड किया लास्ट में कि तो मोस्ट ड्रीम्स है ना वो हमारे एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब डे टू डे हम जो देखते हैं लाइफ में चीज़ें या डे टू डे जो हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे ड्रीम्स। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई थी कि ऑलमोस्ट मोस्ट पीपल ड्रीम इन कलर, बट पीपल हु ग्रो अप इन द एरिया ऑफ ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन समटाइम्स हैव ड्रीम्स इन ब्लैक एंड वाइट। मतलब हम सब लोग कलर्ड सपने देखते हैं, मतलब जो लोग हम जैसे टीवी कलर्ड हो गया आजकल तो हमें सपने भी उसमें कलर्ड दिखते हैं, लेकिन जो लोग उस टाइम पे बॉर्न हुए थे जब ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन का फैशन था तो उन लोगों को कलर्ड भी आते हैं और सपने ब्लैक एंड वाइट में भी आते हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ इन्होंने यहाँ पे जो अपना स्टडी में देखी थी। और एक चीज़ इन्होंने ये बताई थी कि जेंडर डिफरेंसेस भी हैं हमारे ड्रीम्स में। जेंडर डिफरेंसेस मतलब अगर मेल्स अपने देख रहे हैं तो वो कुछ डिफरेंट टाइप के उसमें कुछ नज़र आ रहा है पैटर्न, और फीमेल जो सपने देखती है उनमें कुछ पैटर्न अलग दिखता है। एंड दोज डिफरेंसेज आर कॉज्ड बाय हार्मोनल जेनेटिक इन्फ्लुएंस। अब ये डिफरेंसेज क्यों हैं? एक तो हार्मोन्स की वजह से, हमारे जीन्स की वजह से ये दोनों अलग अलग हैं, कुछ हमारे सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस है हमारे कल्चर की वजह से है कुछ, और दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये इस तरह के ड्रीम्स जो है दोनों उसको अलग अलग नज़र आते हैं जेंडर्स को। तो एक बुक है फाइंडिंग मीनिंग इन ड्रीम्स बाय डॉक्टर विलियम डॉमहॉफ, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अक्रॉस मैनी कल्चर्स मैन मोर ऑफन ड्रीम ऑफ अदर मेल्स वेयर आर वुमेन टेंड टू ड्रीम अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली। कि जो मैन हैं वो ऑफनली दूसरे मेल्स के रिगार्डिंग ही कोई ड्रीम देखते हैं, लेकिन जो वुमेन है वो अपने ड्रीम में मेल्स फीमेल्स दोनों के इक्वली रिलेशन में ड्रीम देखती हैं। तो ये इन्होंने अपनी बुक में इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। मेन अक्रॉस वेरियस कल्चर्स आल्सो टेंड टू हैव मोर फिजिकल एग्रेशन इन देयर ड्रीम्स। और मेन जो ड्रीम्स देखते हैं उनमें ज़्यादातर फिजिकल एग्रेशन ज़्यादा होता है उनके ड्रीम्स में, और वुमेन में क्या होता है उनके ड्रीम्स में वो विक्टिम होते हैं एग्रेशन के, क्योंकि बेसिकली कल्चरल इफेक्ट भी इसमें नज़र आता है ना। डॉमहॉफ आल्सो कंक्लूडेड दैट वेयर देयर आर डिफरेंसेस इन द कंटेंट ऑफ ड्रीम्स अक्रॉस कल्चर द डिफरेंसेज मेक सेंस इन लाइट ऑफ कल्चर्स पर्सनैलिटी। मतलब वही है कि कल्चर के बेस पे अलग अलग तरह के ड्रीम्स भी बदल जाते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है, अमेरिकन कल्चर इज़ कंसिडर्ड फेयरली एग्रेसिव व्हेन कंपेयर्ड टू द कल्चर ऑफ नीदरलैंड्स। द एग्रेसिव कंटेंट ऑफ द ड्रीम इन बोथ कल्चर रिफ्लेक्ट द डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पे दो इन्होंने कंपेयर करे हुए हैं कल्चर, एक अमेरिकन कल्चर और एक नीदरलैंड्स वालों का कल्चर, तो इनके कल्चर में ये फ़र्क है कि अमेरिकन को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव माना जाता है, तो ये चीज़ उनके ड्रीम्स में भी नज़र आती है। तो कल्चर का बहुत इफेक्ट है। देर आर लोअर लेवल ऑफ एग्रेशन इन द ड्रीम्स ऑफ दोज फ्रॉम नीदरलैंड्स। तो जो नीदरलैंड में रहने वाले जो मेन हैं उनके भी ड्रीम में एग्रेशन अगर दिखता है तो थोड़ा सा लोअर लेवल का होता है एज़ कम्पेयर टू जो एक अमेरिकन उसके मेल की ड्रीम्स में होता है। तो कल्चर का इफेक्ट हो गया, जेंडर का इफेक्ट हो गया। गर्ल्स एंड वुमेन टेंड टू ड्रीम अबाउट पीपल दे नो, पर्सनल अपीयरेंस कंसर्न्स एंड बट। अब गर्ल्स और वुमेन हैं उनको किस टाइप के ड्रीम्स आते हैं, जैसे कि अगर लोगों के बारे में आ रहे हैं तो वो उन लोगों के बारे में होंगे जिन्हें वो जानती हैं, और पर्सनल अपीयरेंस के बारे में हो सकता है क्योंकि पर्सनल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा एक कंसर्न टॉपिक होता है इन केस ऑफ फीमेल्स, या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स या उनके होम से रिलेटेड होता है।
बॉयज एंड मैन टेंड टू हैव मोर करेक्टर्स इन देयर ड्रीम्स. बॉयज और मैन के ड्रीम्स में करेक्टर ज्यादा होते हैं जो आउटडोर या अनफेमिलियर सेटिंग्स में भी हो सकते हैं. अनफेमिलियर सेटिंग मतलब कोई बाहर के लोग भी जरूरी नहीं है, वही लोग हो जिन्हें वो जानते हैं. आउटडोर ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ वो कभी नहीं गए, और आउटडोर अनफेमिलियर सेटिंग्स भी हो सकती हैं जो, और नए लोग भी हो सकते हैं जिनसे वो कभी नहीं मिले. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अगेन कल्चर का ही फर्क आ जाता है. मे इन्वॉल्व वेपन टूल्स कार, और इनके ड्रीम्स में वेपन्स टूल्स कार्स या रोड्स ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जो जनरली हम एक मेल से ही रिलेट करते हैं. तो कल्चरल डिफरेंस दिखता है यहाँ पे भी. और मैन ऑल्सो रिपोर्ट मोर सेक्सुअल ड्रीम्स यूजली विद अननोन एंड अट्रैक्टिव पार्टनर्स. और मैन के ही ड्रीम्स में देखा गया है कि ज़्यादातर सेक्सुअल ड्रीम्स उनके होते हैं जो कि अननोन और अट्रैक्टिव पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं. इन ड्रीम्स पीपल रन जंप टॉक एंड डू ऑल द एक्शंस दे डू इन नॉर्मल लाइफ. तो ड्रीम में क्या होता है, लोग रन भागते हैं, जंप करते हैं, बात करते हैं, वो सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल लाइफ में वो करते हैं. नियरली 50% ऑफ ड्रीम्स रिकॉर्डेड बाय हॉल हैड सेक्सुअल कंटेंट, ऑल्दो लेटर रिसर्च हैज फाउंड लोअर परसेंटेजेस. तो स्टार्टिंग में तो यही था कि 50% ऑफ द ड्रीम्स जो उन्होंने रिसर्च की थी उसमें सेक्सुअल कंटेंट था, लेकिन लेटर ऑन जो रिसर्च ज़्यादा हुई तो धीरे धीरे ये चीज़ कम होती गई. देन देर आर ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग, फॉलिंग एंड ट्राइंग टू डू समथिंग एंड फेलिंग. फिर ड्रीम्स और एक डिफरेंट तरह के ड्रीम्स हो गए, जैसे कि फ्लाई कर रहे हो, उड़ रहे हो, गिर रहे हो कहीं से, या कोई चीज़ ट्राई करते हो और फेल हो जाते हो उसमें. तो ये सारी चीज़ें भी ड्रीम्स में धीरे धीरे नज़र आने लग गई, और ये सब ज़्यादातर उसमें अपनी डे टू डे लाइफ या अपनी कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड दिखता था. अब इसमें यहाँ पे वो है इनका समरी दी हुई है ड्रीम्स की कि व्हाई डू वी ड्रीम. फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशन क्या कहती है कि हमारे जो विश फुलफिलमेंट होती है, जो हमारी बचपन में कोई विशेज होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, या कॉन्फ्लिक्ट होता है, या डिज़ायर्स होते हैं हमारे जो अंदर दबे हुए होते हैं, वो सिम्बॉलिक फॉर्म में हमें ड्रीम्स में आते हैं. जिसमें उन्होंने दो कंटेंट दिए थे कि मैनिफेस्ट कंटेंट होता है जो एक्चुअली वो ड्रीम देख रहा है, लेटेंट कंटेंट होता है जो उसके पीछे हिडन या सिम्बॉलिक मीनिंग है. एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि ड्रीम जो है ना रैंडम सिग्नल है जो हमारे ब्रेन में एक एरिया है पॉन्स, वो हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में जो सिग्नल भेजता है उसके बेस पे जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है हमारी मेमोरीज को लेके, वो ड्रीम्स होते हैं. लेकिन एक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन मॉडल ये बोलता है कि ड्रीम्स हमारी मेमोरी से नहीं होते, वो इन्फॉर्मेशन हमारे जब हम जाग रहे होते हैं पूरा दिन में हमने जो जो चीज़ें करी है उससे रिलेटेड जो होती है वो ड्रीम्स होते हैं. और पीपल ड्रीम, वाई डू पीपल ड्रीम क्यों देखते हैं, बिकॉज जो भी उनके टिपिकली अबाउट इवेंट्स एवरी डे लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं क्या देखते हैं, मतलब बेसिकली कि जो इवेंट्स उनके लाइफ में हो रहे हैं और कलर में होते हैं मोस्टली, और जेंडर और कल्चर का डिफरेंस नज़र आता है ड्रीम्स में. तो ये हो गया ड्रीम्स की समरी. उसके बाद ये आता है क्विज़ है, एक बार इसको भी देख लेते हैं इस क्विज़ को आगे बढ़ने से पहले. सो पहला क्वेश्चन ये है कि इन फ्रॉइड्स थ्योरी द सिम्बॉलिक कंटेंट ऑफ ड्रीम इज कॉल्ड. तो सिम्बॉलिक कंटेंट हम किसको बोलते हैं फ्रॉइड की थ्योरी में, मैनिफेस्ट को, लेटेंट को, सिम्बॉलिक या हिडन. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लेटेंट कंटेंट, क्योंकि मैनिफेस्ट तो वो होता है जो एग्जैक्ट होता है. फिर विच ड्रीम थ्योरी स्टेट्स दैट ड्रीम्स आर सिंपली ब्रेन्स वे ऑफ एक्सप्लेनिंग रैंडम न्यूरल एक्टिविटी. कौन सी थ्योरी ये कह रही है कि ड्रीम जो है वो रैंडम न्यूरल एक्टिविटी होती है जो ब्रेन से होते हैं. तो ये एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस है. फिर अकॉर्डिंग टू हॉब्सन एंड कार्ले द डैश एरिया ऑफ ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू द डैश क्रिएटिंग वॉट वी इंटरप्रेट एज ड्रीम्स. तो यही वाली जो एक्टिवेशन सिंथेसिस से लेके ये लाइन है यहाँ पे आगे कि ऑप्शन और मैकाले ने क्या कहा था, कौन सा एरिया सिग्नल भेजता है, पॉन्स भेजता है, और कहाँ पे भेजता है, हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में भेजता है. तो इसका आंसर होगा डी. फिर चौथा क्वेश्चन है द डैश लोब्स शट डाउन ड्यूरिंग ड्रीमिंग एक्सप्लेनिंग ऑफन बिजार नेचर ऑफ ड्रीम्स. हमारा कौन सा लोब है जो लॉजिकल थिंकिंग करता है और सोने के जब हम सोते हैं तो वो भी शट डाउन हो जाता है जिसकी वजह से हमें अजीब से ड्रीम्स आते हैं, तो वो है फ्रंटल लोब. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शीला वंस हैड अ ड्रीम इन विच शी वॉज ट्राइंग टू रीच समथिंग इंपॉर्टेंट बट कुडंट. द हार्डर शी ट्राइड द लेस शी कुड मूव. इट वॉज लाइक मूविंग इन अ मोलेसिस. दिस इज मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन बाय.
मतलब ये बोल रहे हैं कि ये किस वजह से हो रहा है कि शीला अपने ड्रीम में कहीं पहुंचने की कोशिश कर रही है पर वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है, और अपने सपने में जो हम हिल नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, तो वो किस वजह से होता है? तो ये हमने पढ़ा था कि हमारे को REM पैरालिसिस हो जाता है जब हमारी बॉडी वॉलेंट्री मसल्स को इनिबिट कर देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे चलते हैं, इससे ऑल्टर स्टेट में आते हैं। अब ऑल्टर स्टेट में हिप्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हिप्नोटाइज एक्चुअली होता क्या है, कैसे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हिप्नोसिस में चले जाते हैं, और क्या वो वैसे ही दिखता है जैसे टीवी में दिखाते हैं कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके आप उसे किसी भी तरीके से रिएक्ट करने के लिए वो कंपेल कर सकते हो। तो इसमें ऑल्टर्ड स्टेट लिया हुआ है क्योंकि हमारी कॉन्शियस स्टेट नहीं होती है, ऑल्टर्ड स्टेट होती है, हम पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होते। सो इफेक्ट ऑफ हिप्नोसिस, हिप्नोसिस इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पर्सन इज स्पेशली ससेप्टिबल टू सजेशन। ससेप्टिबल टू सजेशन का मतलब है वो ऐसी ऐसी स्टेट होती है हमारे माइंड की जिसमें आप उस पर्सन को अगर कोई सजेशन दोगे तो वो उसको झट से मान लेगा। ऑल्दो अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एग्जिस्ट अबाउट हिप्नोसिस, इट कैन बी यूजफुल टूल व्हेन प्रॉपरली मैनेज्ड। तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है हिप्नोसिस के बारे में क्योंकि हम सबको पता है कि हम लोग जो समझते हैं एक्चुअली में वैसे होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर है कि इसको यूज़ ज़रूर करते हैं साइकोलॉजिस्ट किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा दिखाया जाता है। तो अब क्या होता है इसमें, स्टेप्स इन हिप्नोटिक इंडक्शन। सो देर आर सेवरल की स्टेप्स इन इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग हिप्नोसिस। हिप्नोसिस किसी को करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रकमैन एंड जॉर्क, ऑल्दो एवरी हिप्नोटिस्ट मे हैव अ डिफरेंट स्टाइल और यूज डिफरेंट वर्ड्स, दीज फोर स्टेप्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। मतलब सबके जितने भी हिप्नोटिस्ट हैं सबका अपना अलग अलग तरीका है, कोई कुछ बोल के करता है, कोई कुछ दिखा के करता है, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं चार, ये स्टेप्स उसमें कॉमन है। तो ये क्या स्टेप्स हैं, द हिप्नोटिस्ट टेल द पर्सन टू फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। सबसे चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फोकस, किसी चीज पे या उसकी किसी बात पे जो वो बोल रहा है उसके ऊपर हिप्नोटिस्ट अपने पार्टिसिपेंट को बोलता है कि फोकस करना है, तो पूरा फोकस उसका किसी चीज पे होना चाहिए। अब जैसे हम टीवी में देखते हैं कि कई बार वो कोई चेन या कोई लॉकेट हिला के दिखाते हैं, जरूरी नहीं है लॉकेट हो, ये भी हो सकता है कि हिप्नोटिस्ट कुछ बोल रहा है और हमें उस पर पूरी तरीके से फोकस करना है। सेकेंड स्टेप ये होता है, पर्सन इज टोल्ड टू रिलैक्स एंड फील टायर्ड। उस पर्सन को ये बोलते हैं कि आपने एक्टिव नहीं रहना है, आपने बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाना है बिल्कुल ही, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा जैसे थकने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं उस तरीके से बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल वैसे करना है जैसे कि आप थक गए हो बहुत ज़्यादा। ये करना पड़ता है पर्सन को खुद, अगर वो खुद ऐसे नहीं फील करेगा तो वो हिप्नोटाइज नहीं हो पाएगा। द हिप्नोटिस्ट टेल्स अ पर्सन टू लेट गो एंड एक्सेप्ट सजेशंस ईजिली। यही है मेन चीज़ कि हिप्नोटिस्ट उसको बोलता है कि जो मैं बोलूँगा आप वो सुनोगे और भूल जाओगे लोग क्या देख रहे हैं या फिर उसके बाद क्या होगा अगर मैं ऐसा करूँगा, मतलब ये आपकी मर्जी से आपको करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे तो आप ना चाहते हुए भी कर रहे हो, आपको वो बोलेंगे कि अब आप एक काम करो आप बाकी सब टेंशन भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या देख रहा है क्या सोच रहा है, आप जो मैं बोल रहा हूँ मेरे सजेशंस को एक्सेप्ट करो इजीली और एकदम रिलैक्स होके करो। द पर्सन इज टोल्ड टू यूज विविड इमेजिनेशन, और उसको बोला जाता है कि वो जितना ज़्यादा डिफरेंट इमेजिन कर सकता है, जितना ज़्यादा अलग इमेजिन कर सकता है, वो अपनी इमेजिनेशन को उतना यूज करके रिएक्ट करे। तो एक तरीके से पर्सन को ये फील करा देते हैं कि तू अब जो भी करेगा उसके लिए तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू अपने मन में जो आए वो कर, यहाँ पे फोकस तेरा होना चाहिए मेरी बात पे। तो इसमें विलिंगनेस होनी चाहिए उस पर्सन की जो कर रहा है, अगर वो विलिंग फिर भी नहीं हो रहा, अगर वो फिर भी कॉन्शियस है, वो फिर भी अगर उसको हेजिटेशन हो रही है तो वो हिप्नोटाइज नहीं होगा। अभी ऐसा करते क्यों है वो भी हम आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा वो करते हैं। द रियल की टू हिप्नोसिस सीम टू बी हाइटेंड स्टेट ऑफ सजेस्टिबिलिटी। हाइटन स्टेट ऑफ सजेस्टिबिलिटी का मतलब है कि जितना ज़्यादा सजेशन को वो एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही हिप्नोसिस जो है वो इजीली हो पाएगा। पीपल कैन बी हिप्नोटाइज्ड व्हेन एक्टिव एंड अलर्ट। एक नॉर्मल बंदा जो एक्टिव है अलर्ट है उसको हिप्नोटाइज तभी कर सकते हैं ओनली इफ दे आर विलिंग टू बी हिप्नोटाइज्ड। अगर वो चाहता है तो,
अगर वो नहीं चाहेगा तो वो हिप्नोटाइज कभी नहीं हो सकता है. ये सिर्फ तभी होता है जब एक्चुअली में वो सारी चीजें करने को मान जाते हैं. ओनली 80% ऑफ ऑल पीपल कैन बी हिप्नोटाइज्ड एंड 40% आर गुड हिप्नोटिक सब्जेक्ट्स. तो अगर पूरी पॉपुलेशन का यहाँ पे देखें तो 80% लोग हैं जिनको हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं और 40% ऐसे हैं जो एक्चुअली में एक प्रॉपर हिप्नोटिक सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करते हैं. पीपल हु फैंटिसाइज अलॉट, हु डे ड्रीम एंड हैव विविड इमेजिनेशन, एज वेल एज पीपल हु गेट रियली इन टू वट एवर टास्क दे आर डूइंग आर मोर ससेप्टिबल. तो कौन से लोग हैं जो जल्दी हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार हो सकते हैं? एक तो वो जो बहुत फैंटिसाइज करते हैं, बहुत सोचते हैं, जो डे ड्रीम बहुत करते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा सोचना किसी के बारे में, जो डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, दिन में सपने देखते हैं, उस टाइप के लोग जिनकी इमेजिनेशन ऑलरेडी बहुत विविड होती है, बहुत ही अलग और बहुत अजीब इमेजिनेशन होती, क्रिएटिव होती हैं, और जब वो किसी काम को करते हैं तो एक्चुअली में उसमें घुस जाते हैं पूरे तरीके से. तो ऐसे लोग जो ज़्यादा, जिनका फोकस बहुत अच्छा होता है एक पर्टिकुलर चीज़ पे, वो लोग हिप्नोटाइज इजीली हो सकते हैं. अ टेस्ट ऑफ हिप्नोटिक ससेसिबिलिटी और द डिग्री टू विच अ पर्सन इज अ गुड हिप्नोटिक सब्जेक्ट ऑफन मेक यूज ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्डर सजेशन. द मोर सजेशन इन द ऑर्डर लिस्ट द पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू द मोर ससेप्टिबल द पर्सन इज. मतलब इसको, इस चीज़ को देखने के लिए कि एक पर्सन अच्छे से हिप्नोटाइज हो पाएगा या नहीं, बहुत सारे एक सीरीज में उनको सजेशन दिए जाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि क्या वो हर सजेशन पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है. उससे पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. फिर आते हैं फैक्ट और मिथ पे. फैक्ट और मिथ में मतलब एक्चुअली में फैक्ट क्या है और मिथ क्या है जो लोग बना के बोल देते हैं कि उसमें ऐसा होता है, जो गलत चीज़ें हैं. सो बुक्स, मूवीज एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स हैव ऑफन मिस इंटरप्रेटेड द इफेक्ट ऑफ हिप्नोसिस. हमने देखा है मूवीज में, टीवी में, बुक्स में कि किस तरीके से दिखाते हैं हिप्नोटाइज को, वो बिल्कुल ही मिस इंटरप्रिटेशन है, वैसा बिल्कुल नहीं होता. ऑल्दो द पॉपुलर व्यू इज दैट हिप्नोटाइज पर्सन इज एक्टिंग इनवॉलेंटेरिली, द फैक्ट इज दैट हिप्नोटाइज पर्सन इज रियली द वन इन कंट्रोल. टीवी में या मूवीज में ये दिखाया जाता है कि जो हिप्नोटाइज हो गया ना, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो इनवॉलेंटरी कर रहा है, मतलब वो उसको जबरदस्ती वो करवाया जा रहा है. जबकि इससे उल्टा होता है, जो हिप्नोटाइज पर्सन होता है ना, वो अपने आप के पूरे कंट्रोल में होता है. इनफैक्ट द हिप्नोटिस्ट मे ओनली बी अ गाइड इन टू अ मोर रिलैक्स स्टेट वाइल द सब्जेक्ट एक्चुअली हिप्नोटाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो होता क्या है, जो हिप्नोटिस्ट होता है ना, वो सिर्फ उसे गाइड कर रहा है. सब्जेक्ट अपने आप को खुद हिप्नोटाइज होने देता है, वो खुद अपने आप को बहुत ही रिलैक्स स्टेट में लेके जाने के लिए खुद फोर्स करता है जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जो हिप्नोटाइज हो रहा है. उसको हिप्नोटिस्ट जो है वो तो सिर्फ उसको गाइड कर रहा है कि उसको कैसे होना है. सो रिलैक्स, यू वॉन्ट बी कमिटिंग एनी इमोर्टल एक्ट्स और डूइंग एनीथिंग रियली ऑब्जेक्शनेबल. तो इसीलिए क्या होता है, जो हिप्नोटाइज हो जाते हैं जो लोग, वो कभी भी अपने उस स्टेट में कोई गलत काम नहीं करते. जैसे उसको आप हिप्नोटाइज करा के ये नहीं बोल सकते कि जाके किसी का खून करके आ जाए या किसी का एक्सीडेंट कर दे, क्योंकि वो पूरा अपने कंट्रोल में होते हैं, वो इतना उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा एक मिस इंटरप्रिटेशन है जो मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है. पीपल कैन नॉट बी हिप्नोटाइज अगेंस्ट देयर विल. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि बिना अपनी मर्जी के आप किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते. अगर वो 1% भी कहीं ना कहीं वो हो जाता है डाउटफुल कि मुझे नहीं होना है, तो वो नहीं होगा हिप्नोटाइज. द टेंडेंसी टू एक्ट एज दो देयर बिहेवियर इज ऑटोमेटिक एंड आउट ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड बेसिक सजेशन इफेक्ट. जो वो आपको दिखाते हैं ना कि उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली हो रहा है किसी और के कहने पे और वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको बोलते हैं बेसिक सजेशन इफेक्ट, उस बिहेवियर को. और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसको हिप्नोटिस्ट एक तरीके से उनको एक अथॉरिटी दे देता है कि तुम जो भी करोगे ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर नहीं डाली जाएगी. उसमें हम ये सोचेंगे कि तुम हिप्नोटाइज हो गए हो इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो. तो एक ना मतलब मेंटली ये चीज़ उनके माइंड में आ जाती कि अभी हम कुछ भी करेंगे तो लोग हमें उस तरह के से नहीं सोचेंगे कि ये पागल हो गया इसलिए कर रहा है. वो ये सोचेंगे कि क्योंकि ये हिप्नोटाइज हो रखा है इसलिए कर रहा है, इसलिए वो उस तरीके से बिहेव करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. इट गिव्स पीपल एन एक्सक्यूज टू डू थिंग्स दे माइट नॉट अदरवाइज डू बिकॉज बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन फॉल्स ऑन द हिप्नोटिस्ट.
वही है ना कि लोग अपने उस टाइम पे वो सब चीजें करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जो वो नॉर्मल लाइफ में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हिप्नोटिस्ट पे आएगी उनके एक्शन की, क्योंकि उनको बोल तो हिप्नोटिस्ट रहा है ना करने के लिए. तो ये चीज होती है बेसिकली जो लोग उस टाइम पे इस तरीके से रिएक्ट करते हैं. यहाँ पे एक टेबल था, सैम्पल आइटम्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी स्केल. तो ये वही है जिसमें मैंने बोला था ना, एक लिस्ट होती है जिसको हम बार बार सजेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि वो लोग कितनी बात मान रहे हैं आपकी. तो पहले उनको बोला जाता है पोस्चुरल स्वे करने के, अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, आंखें बंद करने के लिए, फिर हाथ ऊपर नीचे, फिर फिंगर लॉक करो, आर्म हिलाओ. तो ये सारी चीज़ें बोलते बोलते धीरे धीरे आगे चलते हैं, जिससे ये समझ में आ जाता है कि वो सामने वाला पर्सन कितना इजीली हिप्नोटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है. यहाँ पे ये फैक्ट्स बताए हुए हैं दो चीजें कि हिप्नोसिस से क्या हम कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है आपका. क्रिएट एमनीशिया फॉर वट एवर हैपन्स ड्यूरिंग द हिप्नोटिक सेशन एटलीस्ट फॉर अ ब्रीफ टाइम. जब वो हिप्नोटाइज हो जाता है पर्सन, उस टाइम पे वो जो चीज़ कर रहा होता है, कभी कभार ये जरूर होता है कि वो चीज़ें वो बाद में भूल जाता है थोड़े टाइम के लिए, और कुछ टाइम बाद फिर उसको धीरे धीरे याद आ जाती है कि वो एक्चुअली में उस टाइम पे क्या कर रहा था. तो ये चीज़ ठीक है कि थोड़ी देर के लिए एमनीशिया हो सकता है, भूल सकता है कि उसने क्या किया था थोड़े टाइम के लिए. और क्या कर सकते हैं, रिलीफ पेन, किसी की पेन हम ठीक कर सकते हैं उसको हिप्नोटाइज करके, अलाउइंग अ पर्सन टू रिमूव कॉन्शियस, क्योंकि उसका जो कॉन्शियसनेस है उस टाइम पेन से हट जाती है और सामने वाले की बातों पे चली जाती है जो वो बोल रहा है, तो उसको पेन रिलीफ हो जाती है. ठीक है. ऑल्टर सेंसरी परसेप्शंस, सेंसरी परसेप्शंस को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे स्मेल, हियरिंग, विजन, टाइम सेंस, ये सब कैन बी. अब आप जब दूसरे ऑल्टर्ड स्टेट में होते हो, आपका ध्यान कहीं और होता है, तो आपको उस टाइम पे स्मेल, हियरिंग, विजन, पेन, टाइम, ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं होता, इसलिए वो सब चीज़ें थोड़ी सी ऑल्टर हो सकती हैं. हेल्प पीपल रिलैक्स, रिलैक्स तो होते ही हो आप उसमें बहुत ज़्यादा, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है. जैसे आप फ्लाई करते टाइम एरोप्लेन में बहुत आपको डर लगता है, उस टाइम पे अगर आपको कोई थोड़ा सा हिप्नोटिज्म करके आपको रिलैक्स कर दे तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो. तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं हम हिप्नोसिस की. अब क्या चीज़ें नहीं हो सकती जो टीवी में दिखाते हैं, जैसे कि गिव पीपल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, किसी को हम सुपर ह्यूमन नहीं बना सकते हिप्नोसिस करके कि वो कुछ भी तोड़ देगा उस टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं होता. रिलायबली एनहेंस मेमोरी, किसी की मेमोरी इंक्रीज नहीं कर सकते हम कि हिप्नोटाइज कर दिया उसको, उस टाइम जो बोला वो उसको बहुत अच्छे से याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेमोरी एनहेंस नहीं होगी. रिग्रेस पीपल बैक टू चाइल्डहुड, हम किसी को अपने बचपन में वापस नहीं भेज सकते हैं. बच्चों की तरह लोग बिहेव करते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस टाइम उसको बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने चाइल्डहुड में एक्चुअली चले जाते हैं. रिग्रेस पीपल टू सम पास्ट लाइफ, किसी को भी अपनी पास्ट लाइफ में या अपने पिछले जन्म में भेजना, ये भी बिल्कुल भी नहीं होता है हिप्नोसिस में. तो ये वो चीज़ें हैं जो हिप्नोसिस में नहीं कर सकते. उसके बाद आगे चलते हैं. हिप्नोसिस ऑल्सो इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीवर्शियल टूल वेन यूज इन थेरेपी टू हेल्प पीपल रिकवर. अब आपको पता ही है हिप्नोसिस लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए किया जाता है. ठीक है. एंड फॉर अ इन जनरल हिप्नोसिस इज अ हैंडी वे टू हेल्प पीपल रिलैक्स और टू कंट्रोल पेन. तो समझ में आ गया इसका मेन एम क्या होता है, कि लोग रिलैक्स हो जाए और उनकी जो पेन है वो कंट्रोल हो जाए. दी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसिस आर वेरी मच अंडर पीपल मेंटल इन्फ्लुएंस. और ये तभी होगा जब वो पर्सन एक्चुअली में इन्फ्लुएंस होना चाहेगा, अदरवाइज नहीं होगा. एक्चुअल फिजिकल बिहेवियर इज हार्डर टू चेंज एंड वॉट दैट इज वाई हिप्नोसिस इज नॉट इफेक्टिव एज चेंजिंग ईटिंग हैबिट और हेल्पिंग. ये जो हिप्नोसिस है ये लोगों की मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लेकिन फिजिकल को मुश्किल है. हम किसी की ईटिंग हैबिट्स नहीं बदल सकते, हम किसी को स्मोकिंग करने से नहीं रोक सकते हिप्नोसिस के थ्रू. सो हिप्नोसिस इज समटाइम्स यूज इन साइकोलॉजिकल थेरेपी टू हेल्प पीपल कोप विद एंगजाइटी, डील विद क्रेविंग्स ऑफ फूड और ड्रग्स. जो मेंटल एंग्जाइटी होती है या ड्रग लेने के लिए एडिक्शन होती है, वो सब चीजें हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू. स्टोरीज ऑफ हिप्नोसिस में क्या है, देयर आर टू व्यूज ऑफ व्हाई हिप्नोसिस वर्क. वन एम्फेसाइज द रोल ऑफ डिसोसिएशन
or a splitting of conscious awareness, whereas other involves a kind of social role playing. दो थ्योरीज हैं हिप्नोसिस की यहाँ पे. एक थ्योरी तो डिसोसिएशन टेक्निक का यूज करती है. डिसोसिएशन मतलब जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को दो जगह में डिवाइड कर देते हैं. एक एक तो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी तो आपको समझाऊंगी. डिसोसिएशन टेक्निक होती है जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को स्प्लिट कर देते हैं, हमारा ध्यान दो चीज़ों पे कर देते हैं. और दूसरी है सोशल रोल प्लेइंग. सोशल रोल प्लेइंग में जैसे हम एक रोल प्ले कर रहे हों, जैसे किसी ड्रामा में हम रोल प्ले कर रहे हैं उस तरीके से. तो पहली वाली है हिप्नोसिस एज डिसोसिएशन, द हिडन ऑब्जर्वर. तो इसमें अर्नेस्ट हिलगर्ड ने ये बोला है कि बिलीव दैट हिप्नोसिस वर्कड ओनली ऑन द इमीडिएट कॉन्शियस माइंड ऑफ द पर्सन व्हाइल अ पार्ट ऑफ पर्सन माइंड रिमेन्ड अवेयर ऑफ ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. इसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. जैसे सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हो और ड्राइविंग करते करते आप ये सोच रहे हो कि आपने ऑफिस जाके क्या करना है, उसके बाद आपने कैसे क्या क्या काम करने हैं. तो तब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप ठीक बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हो, आपको पता है साइड से गाड़ी आ रही है तो आप हॉर्न मार रहे हो, आप अपनी टर्न ढंग से ले रहे हो गाड़ी चलाते चलाते. तो आपका एक माइंड जो है वो तो ड्राइविंग कर रहा है और आपका एक माइंड है जो वो सोच रहा है कि आपने ऑफिस जाके क्या करना है. तो ये होता है डिसोसिएशन, मतलब आपने अपनी कॉन्शियसनेस को दो जगह पर डिवाइड कर दिया. एक जगह फिक्स है जो ड्राइविंग पे ध्यान दे रही है और उसमें कोई गलती नहीं हो रही, आप बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हो. और एक जगह फिक्स है जो आप सोचते जा रहे हो कि आपने क्या करना है. और जब आप सोचते 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 आप पहुंच जाते हो अपने ऑफिस, तो कई बार आपको लगता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैंने रास्ता तो देखा ही नहीं जहाँ से मैं आया इस बारी. तो वो चीज़ होती है हिप्नोसिस में भी कि एक तो कॉन्शियस माइंड है जो आपसे एक्शन करवा रहा है और एक कॉन्शियस माइंड हिडन होता है जिसको पता है कि आप क्या कर रहे हो. तो इसमें क्या होता है, जो हिप्नोसिस है ना वो कॉन्शियस माइंड को, जो इमीडिएट कॉन्शियस माइंड है जो अलर्ट है उसको टारगेट करता है. और जो हिडन माइंड होता है ना जो अंदर होता है उसके, वो अवेयर होता है कि क्या चल रहा है. तो जो बाहर वाला कॉन्शियस माइंड है वो तो उसके हिप्नोसिस में आ जाता है और जो अंदर वाला है उसे पता होता है कि क्या हो रहा है. इट इज़ द सेम काइंड ऑफ डिसोसिएशन टेक प्लेस व्हेन पीपल ड्राइव समवेयर फैमिलियर एंड देन वंडर हाउ दे गेट देयर. तो वही है जैसे आप ड्राइव करते करते कई बार सोचते हो यहाँ कैसे आ गए, आपने रास्ते में तो कुछ देखा नहीं क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था. तो वन पार्ट ऑफ द माइंड द कॉन्शियस पार्ट इज थिंकिंग अबाउट डिनर और डेट और ये सब. ये मैंने ड्राइविंग वाला जो आपको बताया था ये वही समझा रहे हैं. व्हेन पीपल अच्छा हिलगर्ट बिलीव दैट देर इज अ हिडन पार्ट ऑफ द माइंड दैट इज वेरी मच अवेयर ऑफ द हिप्नोटिक सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज एंड सेंसेशंस इवन दो हिप्नोटाइज पार्ट ऑफ द माइंड इज ब्लिसफुली अनअवेयर. तो हिडन माइंड है आपका, उसको पता होगा आप क्या कर रहे हो इसलिए वो आपको कोई गलत काम करने से रोकेगा. लेकिन जो आपका कॉन्शियस माइंड है जो हिप्नोटाइज हो गया है वो सारी चीजें करेगा जो आपको हिप्नोटिस्ट बोल रहा है. इन द स्टडी सब्जेक्ट्स वर हिप्नोटाइज टू पुट देयर आर्म्स इन आइस वाटर ऑल्दो दे वर इंस्ट्रक्टेड टू फील नो पेन. एक स्टडी करी थी मिलर एंड बॉवर्स ने 93 में जिसमें उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को बोला था कि हम आपको जब हिप्नोटाइज करेंगे तो उसके बाद आपने अपना जो हाथ है ना वो आइस वाटर में डालना है, बर्फ वाले पानी में, और आपको पेन फील नहीं करनी है. तो ये उनको हिप्नोटाइज करके बोला गया कि आप अपना हाथ डालो इसमें और आपको कोई पेन फील नहीं होगी. तो पेन तो होनी थी क्योंकि आप पेन तो फील होने से रोक नहीं सकते. तो देयर हैड टू बी पेन. मोस्ट पीपल कांट इवन गेट एन आइस क्यूब आउट ऑफ द फ्रीजर विदाउट सम पेन बट सब्जेक्ट्स रिपोर्टेड नो पेन एट ऑल. तो क्या हुआ, जो एक्चुअली में उनको बोला गया था कि आपको निकालना है आइस क्यूब में हाथ डाल के, तो उन्होंने ऐसा करा और उन्होंने बोला हमें कोई पेन नहीं हुई. जबकि ऐसा तो होता नहीं है, आप जब ठंडे पानी में हाथ डालते हो तो आपको पेन तो होती है ना. तो ये चीज़ उन्होंने देखी थी कि उनको एक्चुअली में पेन नहीं हुई क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड जो है वो उनकी जो सेंसेस हैं वो भी ऑल्टर हो गई थी. सो सब्जेक्ट्स हु वर सक्सेसफुली एट डिनाइंग द पेन ऑल्सो रिपोर्टेड द इमेजिन बींग एट द बीच और समय. तो उनसे पूछा कि आपको क्यों पेन, उस टाइम आप क्या सोच रहे थे जो आपको पेन नहीं हुई. तो उन्होंने बताया कि हम ये सोच रहे थे कि हम कहीं बीच पे हैं या हम कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मतलब कोई गर्म जगह पे हैं इसलिए उनको पेन फील नहीं हुई. तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था. तो ये थ्योरी हमने क्या डिस्कस करी, डिसोसिएशन वाली, कि जिसमें हम अपनी कॉन्शियसनेस को स्प्लिट कर देते हैं दो जगह पे. दूसरी थ्योरी है रोल प्लेइंग वाली. रोल प्लेइंग में वो कह रहा है कि हम एक रोल प्ले करते हैं.
The other theory of hypnosis works began with an experiment in which participants who were not hypnotized were instructed to behave as if they were. These participants had no trouble copying many actions previously thought. तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कुछ participants लिए, उनको बोला कि आप ऐसे behave करना जैसे कि आपको hypnotize कर दिया है, और आप वो सारी चीजें करना जो एक hypnotized person करता है, और उन्होंने actually में वो करा, और पता नहीं चल रहा था कि वो hypnotized है या नहीं है. जैसे ये वाली चीज है, यहाँ पे फोटो दिखाई हुई है. तो यहाँ ये जो पर्सन कर रहा है ये एक्चुअली में हिप्नोटाइज नहीं है, वो पूरा कॉन्शियस है, लेकिन फिर भी वो चीज कर पा रहा है जो एक हिप्नोटाइज पर्सन करता है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिप्नोटाइज आपको करेंगे तो आप वो चीजें कर लोगे जो एक्चुअल में आप नहीं कर सकते. सो यहाँ पे है, द रिसर्चर्स ऑल्सो फाउंड आउट दैट पार्टिसिपेंट हु वर नॉट फेमिलियर विद हिप्नोसिस एंड हैड नो आइडिया बट द रोल ऑफ हिप्नोटिक सब्जेक्ट वाज सपोज्ड टू बी कुड नॉट बी हिप्नोटाइज. और जो ऐसे लोग थे जिनको हिप्नोटाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, वो हिप्नोटाइज हो भी नहीं पाए, क्योंकि इसमें लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमें उन्हें हिप्नोटाइज होना है. एड टू दोज फाइंडिंग्स द लेटर फाइंडिंग्स ऑफ कर्श दैट एक्सपेक्टेंसीज ऑफ द हिप्नोटाइज पर्सन प्ले अ बिग पार्ट इन हाउ पर्सन रिस्पॉन्स एंड व्हाट पर्सन डज. तो जो आप जिसको हिप्नोटाइज कर रहे हो उसकी एक्सपेक्टेंसी कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उससे, तो वो बहुत बड़ा रोल होता है उस चीज का कि वो कितना हिप्नोटाइज होगा. तो एक थ्योरी है यहाँ पे, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ हिप्नोसिस अज्यूम्स दैट पीपल हु आर हिप्नोटाइज्ड आर नॉट इन एन ऑल्टर स्टेट बट मियरली प्लेइंग अ रोल एक्सपेक्टेड ऑफ देम इन अ सिचुएशन. तो ये वाली थ्योरी ये कह रही है कि लोग जो हिप्नोटाइज होते हैं वो किसी ऑल्टर स्टेट में नहीं होते, वो एक्चुअली में वो कर रहे होते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया है. दे माइट बिलीव दैट दे आर हिप्नोटाइज बट इन फैक्ट इट इज ऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, सो गुड दैट इवन पार्टिसिपेंट्स आर अनअवेयर ऑफ बट देयर रोल प्लेइंग. तो ये थ्योरी बहुत ही एक अलग बात कर रही है. वो ये कह रहे हैं कि वो हिप्नोटाइज होते नहीं हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि वो हिप्नोटाइज हो गए हैं, और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि उन्हें खुद नहीं ये पता होता है कि वो रोल प्लेइंग कर रहे हैं. तो ये थ्योरी थोड़ी सी इस तरीके से बोलती है कि इसमें कोई हिप्नोटाइजेशन नहीं होती, बट वो चीज कर रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है. सोशल रोल्स आर वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एज एनीवन हु हैज एवर वॉर्न अ यूनिफॉर्म. अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है यूनिफॉर्म का. अब खुद ही देखो कि जब आप एक यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो आप उस तरीके से बिहेव करते हो जैसे उस टाइम पे उस पर्सन को करना चाहिए जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, लेकिन जब आप वो चीज उतार देते हो तब आप नॉर्मल बिहेव करते हो. तो जैसे यूनिफॉर्म हमारे ऊपर जो असर करती है, वैसे ही ये कह रहे हैं कि हिप्नोटाइजेशन असर करती है. जैसे आप हिप्नोटाइज होते हो तो वैसे बिहेव करते हो जैसे आपसे एक्सपेक्ट किया गया है. एक यूनिफॉर्म पहनने वाला पुलिस ऑफिसर उस टाइम वैसे बिहेव करेगा जैसे उससे एक्सपेक्टेड है, चाहे वो वैसा ना भी हो. ऐसे ही हिप्नोटाइजेशन में हम वैसे बिहेव करते हैं जैसा हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है. तो ये थ्योरी भी थोड़ी बहुत ठीक लगती है कहने में कि ये भी हो सकता है हिप्नोटाइजेशन में. तो ये दो थ्योरीज थी जो हमने पढ़ी. तो इसकी समरी है यहाँ पे, कैन बी असेस्ड बाय स्केल ऑफ हिप्नोटिक एक्सेसिबिलिटी. हम चेक कर सकते हैं कि कौन कितना हिप्नोटाइज हो सकता है. इंडक्शन टिपिकली इन्वॉल्व्स रिलैक्स फोकस परमिशन टू लेट गो. तो क्या होता है, उसको बोला जाता है फोकस करो और जो भी है उसको जाने दो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है थॉट. पर्सन बी हिप्नोटाइज इन कंट्रोल कैन नॉट बी हिप्नोटाइज अगेंस्ट हिर और हर विल. तो जो हिप्नोटाइज हो रहा है वो अपनी मर्जी के बिना नहीं हो सकता. इसको थेरेपी में यूज किया जाता है पेन एंजाइटी और क्रेविंग्स कम करने के लिए. और इसकी दो थ्योरीज हैं, डिसोसिएशन और सोशल कॉग्निटिव जो अभी हमने पढ़ी. अब लास्ट में इस टॉपिक को खत्म करने से पहले यहाँ पे क्विज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स. तो इसमें से कौन सा है जो स्टेप नहीं है हिप्नोसिस का जो अभी हमने पढ़ा था. पुटिंग अ पर्सन टू स्लीप, यही वाला है, पहला वाला ही है. सोने के लिए तो हम बोलते ही नहीं है उसमें. सेकंड, द टेंडेंसी टू एक्ट एज दो योर बिहेवियर इज आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड इनवॉलेंटरी. जब लोग दिखाते हैं कि हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, बेसिक सजेशन इफेक्ट. थर्ड, हिप्नोसिस हैज बीन सक्सेसफुली यूज टू. हिप्नोसिस किस किस चीज में सक्सेसफुली यूज किया गया है आज तक, क्या करने में, रिड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन, लोगों की पेन कम करने के लिए. सुपर ह्यूमन बनने के लिए नहीं है, मेमोरीज को बढ़ाने के लिए भी नहीं है, और उनको बचपन में भेजने के लिए भी नहीं है, पेन कम करने के लिए यूज हुआ है.
और चौथा है इन द डैश थ्योरी ऑफ हिप्नोसिस अ पार्ट ऑफ पर्सन माइंड इज नॉट हिप्नोटाइज एंड फुली अवेयर. कौन सी थ्योरी ये कह रही है कि एक पार्ट उसका फुली अवेयर होता है, तो वो डिसोसिएटिव थ्योरी है जिसमें वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है. तो इस टॉपिक को ये खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.